उठ जा अपनी राख से दूर जा अब तलाश में, परवाज़ देख परवाने की आसमा भी सर उठाएगा, आएगा अपना टाइम आएगा, मेरे जैसा छाना लाला तुझे ना मिल पाएगा, ये शब्दों का ज्वाला मेरी पीढ़ियां पिघलाएगा, जितना तूने बोया है तू उतना ही तो खाएगा, ऐसा मेरा ख्वाब है जो डर को भी सताएगा, जितना मेरा ख्वाब अब कैसे तू अपनाएगा, अब हौसले से जीने दे अब खौफ नहीं है सीने में, हर रास्ते को चीरेंगे अब कामयाबी छीनेंगे, सब कुछ मिला पसीने से मतलब बना अब जीने में, क्योंकि अपना टाइम आएगा, तू नंगा ही तो आया है क्या घंटा लेकर जाएगा, अपना टाइम आएगा, अपना टाइम आएगा। हेलो स्टूडेंट्स, नमस्ते, वेलकम टू केके कॉमर्स एकेडमी, द डेस्टिनेशन वेयर सक्सेस बिगिन। स्टूडेंट्स, आई होप आप सेफ हो और जबरदस्त हो। स्टूडेंट्स, थर्ड ईयर बीकॉम का और सेकंड ईयर बीबीए का अगर आप ग्रेजुएशन लेवल में टैक्सेशन पढ़ रहे हो, वेदर फ्रॉम एनी यूनिवर्सिटी, तो आप डेफिनेटली ये लेक्चर देख सकते हो, ये लेक्चर आप ही के लिए बना हुआ है। नाउ वी आर गोइंग थ्रू नाउ टूडे डे नंबर 2 ऑफ इनकम टैक्स। आज हम देखेंगे क्या बच्चों, बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ टैक्सेशन। सर वो तो हमने कल भी बेसिक देखा बच्चों, कल हमने जो देखा ना वो ट्रेलर था, टीजर था, आज ट्रेलर है और पिक्चर तो आगे देखेंगे स्टेप बाय स्टेप। देखो, क्योंकि ये सब्जेक्ट आपके लिए टोटली न्यू है, मतलब इसके कुछ कंसेप्ट या नाम आपने पहले सुने हुए नहीं है, इसलिए बेसिक कंसेप्ट पता होना जरूरी है। जैसे आप 11th में आए थे, आपको फर्स्ट टॉपिक था इंट्रोडक्शन और उसमें बेसिक कंसेप्ट दिए थे अकाउंटेंसी के, मतलब अगर आप ये समझ जाओ बेसिक कंसेप्ट तो अकाउंट्स आपको आगे के टॉपिक्स में यही नाम आएंगे, यही नाम वहां पे लिखे रहेंगे, तो आपको रियलाइज होना चाहिए कि इसका मतलब क्या है, राइट। इवन अब स्कूल टाइम में थे, नया सब्जेक्ट फॉर एग्जाम्पल सीख रहे हो, इंग्लिश सीख रहे हो, तो ABCD से स्टार्ट किया था, अगर आप ABCD समझ जाओ तो वर्ड समझ जाओगे, एग्जैक्टली उतना ही इंपॉर्टेंट है बेसिक कंसेप्ट समझना। बेसिक कंसेप्ट समझ जाओ तो टैक्सेशन कि आप मास्टर बन सकते हो बच्चों। टैक्सेशन आई एम श्योर अबाउट इट कि अगर आप पूरा स्टार्ट टू एंड हर एक एपिसोड अगर अटेंड करो, यू विल फॉल इन लव विद टैक्सेशन। टैक्सेशन इज वेरी गुड सब्जेक्ट, मतलब टैक्सेशन एक तो तारता है नहीं तो मारता है, ओके। तारता मतलब बहुत अच्छा स्कोर देता है, और मारता है तो डायरेक्ट फेल करवाता है, ठीक है। सर फेल होने का एक रीजन ये है कि न्यू सब्जेक्ट होते हुए भी इसको इतना अटेंशन नहीं दिया जाता, ओके, और सिर्फ प्रैक्टिकल पे फोकस किया जाता है, थ्योरी को नहीं देखा जाता, बिल्कुल भी नहीं देखा जाता। अगर ऐसा रहा तो चांसेस मतलब स्कोर कम हो सकता है, ठीक है। और स्टूडेंट्स, तो टैक्सेशन बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट, इनकम टैक्स, हम करते हैं आज बेसिक कंसेप्ट से स्टार्ट। तो बेसिक कंसेप्ट में सबसे पहले हम देखेंगे एक कंसेप्ट जिसका नाम है पर्सन। बच्चों मैंने, अगर आपको याद होगा कल क्या देखा था, एक बार ट्रेलर दिखा दूं आपको। हम अलग अलग तरीके से पैसे कमा सकते हैं। देखो टैक्सेस, दो टैक्सेस है, डायरेक्ट टैक्स और इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स बोले तो GST, और डायरेक्ट टैक्स बोले तो इनकम टैक्स। इनकम टैक्स में मैंने आपको बताया था कि इसमें टैक्स का बर्डन दूसरे पे शिफ्ट नहीं कर सकते, इसलिए इसको डायरेक्ट टैक्स बोलते हैं, डायरेक्ट आपको ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। सर एग्जैक्टली टैक्स लगता किसे है? पर्सन को, जो पर्सन इनकम कमा रहा है उसको इनकम टैक्स लगेगा। लेकिन पर्सन मतलब क्या, ये बहुत बड़ा सवाल है। सर आप पर्सन हो, मैं पर्सन हूं, उसमें अलग क्या सिखा रहे हो? सर इंग्लिश में हम सालों साल से पर्सन वर्ड देखते भी आ रहे हैं और लिखते भी आ रहे हैं, राइट। लेकिन बच्चों इनकम टैक्स में उसी वर्ड का मीनिंग थोड़ा सा बड़ा है, पर्सन, ओके। तो जैसे इनकम टैक्स ने पहले बोला कि हम पर्सन को टैक्स लगाएंगे, तो पर्सन मतलब एज एवरीवन नोज इंडिविजुअल, राइट ना। आप एक पर्सन हो, मैं एक पर्सन हूं, वी आर ऑल नेचुरल पर्सन्स, नेचुरल ह्यूमन बीइंग्स, सो इंडिविजुअल को तो टैक्स लगता ही है, ठीक है। फिर हमने सोचा यार टैक्स नहीं लगना चाहिए, ऐसा क्या करें? तो हम 3-4 दोस्त साथ में आ गए और हमने पार्टनरशिप फर्म बना ली। बोला चलो अब टैक्स नहीं लगेगा, इंडिविजुअल का टैक्स लगता है, हम थोड़ी ना इंडिविजुअल है, हम तो पार्टनरशिप फर्म है। अरे अरे, इनकम टैक्स ने क्या किया, पार्टनरशिप फर्म को भी पर्सन के डेफिनेशन में डाल दिया। मतलब अगर आप पार्टनरशिप फर्म कर लो, पार्टनरशिप फर्म मतलब क्या, व्हेन मल्टीपल, देखो आई एम नॉट गोइंग टू टेक्निकल डेफिनेशन, वो आपको है भी नहीं, सो व्हेन मल्टीपल पर्सन कम टुगेदर ऑफकोर्स टू डू अ बिजनेस एंड टू शेयर द प्रॉफिट। प्रॉफिट पार्टनरशिप में वही होता है ना, प्रॉफिट एंड लॉस जो भी है वो शेयर करते हैं, ओके। तो उसके लिए पार्टनरशिप फर्म अगर हमने बना ली किसी भी बिजनेस के लिए, तो समझ लो वो उसे भी पर्सन बोलते हैं और उस पर भी टैक्स है, ओके, वो टैक्स से छूटने वाला नहीं है, ओके। तो पार्टनरशिप फर्म हो गई,
उसके बाद फिर हमने सोचा कि ऐसा करते हैं, मल्टीपल पर्सन साथ में तो आएंगे, लेकिन लेकिन हम एक पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाएंगे, ओके। इसे एक नाम है बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स। बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स मतलब क्या? मल्टीपल इंडिविजुअल्स साथ में आ गए, सिंपल। मल्टीपल इंडिविजुअल साथ में आ गए, ये बन गया बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। अब सवाल ये है कि बॉडी ऑफ इंडिविजुअल मतलब मल्टीपल पर्सन साथ में आया लेकिन पार्टनरशिप फर्म फॉर्म नहीं किया, तो इनको तो पक्का टैक्स नहीं लगेगा। तो गवर्नमेंट इनकम टैक्स वाले ने क्या किया, उसको भी पर्सन के डेफिनेशन में डाल दिया। सर ऐसा चलता है कि मल्टीपल पर्सन साथ में आए फिर भी पार्टनरशिप नहीं बनाया? ऑफकोर्स बच्चों, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स ये एक अलग टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, वैसे भी चलता है, ठीक है। कुछ लोग करते हैं कि पार्टनरशिप तो नहीं करनी है बट साथ में काम करना है, तो बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ठीक है। उसके बाद बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के साथ साथ एक आता है एओपी, दैट इज एसोसिएशन ऑफ पर्सन। अब ये एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या? एसोसिएशन आपने नाम तो सुना होगा कि मल्टीपल पर्सन साथ में होते हैं एसोसिएशन में। अब एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, मल्टीपल पर्सन कम टूगेदर टू डू अ बिजनेस, सर उसे तो पार्टनरशिप फर्म बोलते हैं। लेकिन बच्चों पार्टनरशिप फर्म की अगर हम बात करें तो इसमें सबके सब इंडिविजुअल होते हैं, ठीक है। एक दो तीन चार, चार लोग भी रहे तो चारों ह्यूमन बींग्स है ना, वो साथ में आ गए, ये हो गया पार्टनरशिप फर्म, ठीक है। चार लोग इंडिविजुअल साथ में आए लेकिन पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाया तो उसे बोलते हैं बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। लेकिन यहाँ पे पर्सन साथ में आ रहे, पर्सन आ रहे मतलब क्या? फॉर एग्जाम्पल, इसमें ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनरशिप फर्म है, एक इंडिविजुअल है, एक बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल से। तो ऐसे मल्टीपल पर्सन, ये पर्सन के डेफिनेशन देख रहे हो ना, पर्सन में कितने सारे लोग आते हैं, तो ऐसे मल्टीपल पर्सन साथ में है। फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी है, एक कोऑपरेटिव सोसाइटी है, एक हिंदू फैमिली है, ऐसा सब कुछ साथ में आकर अगर कुछ बनाया बिजनेस तो उसे बोलते हैं एसोसिएशन ऑफ पर्सन। तो भाई ये अलग टाइप का स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन है। अगेन इनकम टैक्स वाले तो बहुत होशियार है भाई, उन्होंने क्या किया, उसको भी पर्सन के डेफिनेशन में डाल के बोल दिया, पर्सन के डेफिनेशन में है ना वो, तो हम पर्सन को टैक्स लगाते हैं, आपको भी टैक्स लगेगा, ठीक है। नेक्स्ट, अब अपना बिजनेस थोड़ा सा बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसा करें, हम एक बड़ी सी कंपनी स्टार्ट करते हैं, ओके, जॉइंट स्टॉक कंपनी। फिर जॉइंट स्टॉक कंपनी में दो कैटेगरी है, फिर आप इसे प्राइवेट कंपनी बोलो, पब्लिक कंपनी बोलो, और एक थर्ड टाइप आता है 1% कंपनी, ठीक है। प्राइवेट कंपनी मतलब क्या? हमने कंपनी फॉर्म तो कर ली लेकिन हम जनरल पब्लिक को इनवाइट नहीं कर सकते, उनको शेयर्स नहीं इशू कर सकते, ठीक है। मैक्सिमम 200 मेंबर होते हैं, प्राइवेट लिमिटेड का लिमिट होता है मैक्सिमम 200 मेंबर्स ओनली, ओके। तो अगर 200 ही मेंबर्स है, मतलब हमारी 200 से कम मेंबर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो भी आप पर्सन के डेफिनेशन में आते हो, मतलब आपको टैक्स लगेगा, ठीक है। मैंने पब्लिक लिमिटेड कंपनी स्टार्ट की, मतलब जैसे हम जनरल पब्लिक को इनवाइट कर सकते हैं कि हमारे शेयर्स बाय करो और हमें पैसे दो, इवन जनरल पब्लिक से हम पैसे एक्सेप्टेंस ऑफ डिपॉजिट भी कर सकते हैं, डिपॉजिट के नाम पे भी पैसा ले सकते हैं, ठीक है। मैक्सिमम मेंबर्स का कोई लिमिटेशन नहीं होता, कितने भी मेंबर्स हो सकते हैं पब्लिक कंपनी में। तो क्या इनको टैक्स लगेगा? यस, पब्लिक कंपनी जॉइंट स्टॉक कंपनी का ही पार्ट है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी, तो उस पर अगर टैक्स लग रहा है तो डेफिनेटली इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, कोई भी टाइप की कंपनी, बेसिकली कंपनी मतलब क्या, जो कंपनीज एक्ट के अंडर रजिस्टर होता है बिजनेस उसे बोलते हैं कंपनी। तो कोई भी कंपनी हो उस, वो पर्सन के मीनिंग में आएगा और उस पर टैक्स चार्ज किया जाएगा, ठीक है। बच्चों मैं आपको इसके डिटेल नोट्स भी देने वाला हूँ, डोंट वरी अबाउट इट, लेकिन आप ये पॉइंटर लिख लिया करो मेरे साथ, ठीक है। जो जो मैं पॉइंट्स कंसेप्ट लिख के दे रहा हूँ पॉइंटर लिख लिया करो, मतलब आपको रिविजन के लिए बेटर रहेगा, और थेरी नोट्स डिटेल वाले मैं आपको दे दूंगा टाइम टू टाइम, ठीक है। नेक्स्ट, ये तो हो गया कंपनी, उसके बाद HUF मतलब क्या? हिंदू अनडिवाइडेड, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, HUF बोलते हैं इसे, ओके। या फिर दूसरा एक नाम है इसका जॉइंट हिंदू फैमिली, JHF। अब ये क्या है बच्चों? अगर कोई पर्सन मतलब इंडिविजुअल, ऐसा होता है ना बच्चों, आपने सुना होगा या फिर किसी नाम के आगे देखा होगा, कोई बिजनेस लिखा हुआ है और वहां पे लिखा होता है सिंस 130 years, ओके। या फिर लिखा होता है पीडन पासून चालत आलेला बिजनेस, पीडियो से चलते आ रहा है, ठीक है। मतलब जब मैंने उनको पूछने को गया तो पता चला, अरे उनके परदादा ने बिजनेस स्टार्ट किया था, फिर दादाजी ने कंटिन्यू किया,
एक्सपैंड किया, फिर पापा ने और बिजनेस बढ़ाया और अब मैं हूं, मैं भी ये बिजनेस में ज्वाइन हो गया और मैं और बिजनेस बढ़ा रहा हूं। मैंने पूछा उसको कौन कौन है बिजनेस में, अरे हमारी पूरी फैमिली इन्वॉल्व इसमें, मेरे चाचा, मेरे पापा, मेरा भाई, मेरा कजिन है, रियल कजिन जो भी है, हम सब लोग उसमें इन्वॉल्व है, हम सब यही बिजनेस करते हैं। तो हुआ क्या इसका मतलब, हिंदू फैमिली जो ज्वाइंट हिंदू फैमिली है वो सब मेंबर्स मिलके बिजनेस कंटिन्यू कर रहे विद द कॉमन एंसेस्टर। कॉमन एंसेस्टर मतलब क्या, उनके पूर्वज जो है उनकी पहली पीढ़ी कॉमन होनी चाहिए, ठीक है। सो कॉमन एंसेस्टर है और उनसे बिजनेस चलते आ रहा है, तो वही बिजनेस अगर हम कंटिन्यू कर रहे हैं सालों साल से पीढ़ियों से, उसे बोलते हैं ज्वाइंट हिंदू फैमिली बिजनेस। ओके, इवन ये सब कुछ आपको 11th 12th में था बेसिक में, अगर आप कॉमर्स में ही हो गए तो, क्योंकि साइंस वाले भी आ सकते हैं ना ग्रेजुएशन के लिए, इसलिए मैं बोल रहा हूँ मैं। सो अगर हिंदू फैमिली जॉइंटली बिजनेस करे, उसमें जो सबसे बड़ा मेंबर होता है, सीनियर मोस्ट मेंबर, वो नॉर्मली फैमिली का कर्ता होता है, ठीक है, कर्ता बोलते हैं उसे, और बाकी सब को पार्टनर्स होते हैं। सो अगर आप इस नाम से बिजनेस कर रहे हो, ज्वाइंट हिंदू फैमिली नाम से बिजनेस कर रहे हो, तो हमें तो टैक्स नहीं लगेगा। अरे लगेगा भाई, क्योंकि पर्सन के डेफिनेशन में तू भी आता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली HUF, ये एक अलग एग्जिस्टेंस है। देखो पर्सन अलग, HUF अलग, तो HUF को भी टैक्स लगता है क्योंकि वो पर्सन के डेफिनेशन में आता है, ठीक है। नेक्स्ट, लोकल अथॉरिटी। बच्चों आप अगर सोच रहे हो कि गवर्नमेंट बहुत डेंजर है, साला किसी को नहीं छोड़ती, हमसे भी टैक्स वसूल करती है, तो आप खुद को समझते क्या हो भाई, आपसे क्यों ना ले, वो लोकल अथॉरिटी को भी नहीं छोड़ती। मतलब क्या, फॉर एग्जाम्पल ये है नगर पालिका, या फिर तालुका लेवल पे कुछ अथॉरिटी है, या फिर हम बात करें अगर MNC म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, तो इनको भी टैक्स लगता है बच्चों। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी टैक्स लगता है, सर वो तो गवर्नमेंट का ही है, फिर भी टैक्स लगता है। अरे सर ऐसा कैसे सर, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और ये भी डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो सब तो उनका ही होता है ना गवर्नमेंट का, तो उसमें कैसे टैक्स लगाते हैं। अरे भाई वही तो बता रहा हूँ मैं, लोकल गवर्नमेंट, लोकल अथॉरिटी अगर इनकम कमा रही है तो उनको भी टैक्स होता है। फॉर एग्जाम्पल आपने अगर ऐसा कोई कॉम्प्लेक्स देखा होगा या सुना होगा, वहाँ पे ऐसा होता है कि मतलब किसी किसी प्लेस पे, अरे ये जो पूरा कॉम्प्लेक्स है ना ये महानगर पालिका का है, यहाँ की जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन है इनका है, और रेंट वगैरह कम है, और ऐसा ऐसा है, ऐसे फॉर एग्जाम्पल 20 शॉप्स है और हर एक का 5000 रेंट है, लाख रुपए पर मंथ इनकम हो रहा है म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन का, इनकम तो है ना, तो टैक्स क्यों ना ले। यस, लेकिन टैक्स तो सिर्फ पर्सन को लगता है। एक्चुअली क्या हुआ, इनकम टैक्स ने पहले बोल दिया टैक्स विल चार्ज टू पर्सन, इसलिए पर्सन की डेफिनेशन बनाई कि पर्सन में कौन कौन आएगा बताओ, चुन चुन के सब आएंगे, ठीक है, किसी को नहीं छोड़ेंगे। और लास्ट हाइट, देखो बच्चों गवर्नमेंट की हाइट क्या है, आपको यहां पे समझ जाएगा, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन AJP। अभी AJP होता क्या है बच्चों, क्या लगता है गवर्नमेंट भगवान को छोड़ेगी? आपने तो सुना होगा ना, भगवान के नाम पे दे दे रे बाबा। अरे गवर्नमेंट भगवान को बोलती है टैक्स के नाम पे दे दे रे बाबा, हम तुझे भी नहीं छोड़ेंगे भगवान, तू कमा, तू ऊपर ही नहीं, ऊपर ही से हम ऊपर नोटिस भेजेंगे, मेल करेंगे, फैक्स करेंगे, सैटेलाइट से भेजेंगे, लेकिन भाई टैक्स तो वसूल करेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं। ओके, अपार्ट फ्रॉम दिस जोक, दिस इज रियलिटी बच्चों, कि ट्रस्ट, फॉर एग्जाम्पल मैंने मंदिर स्टार्ट कर लिया, ट्रस्ट बना ली, ओके, ट्रस्ट के नाम पे कुछ कभी कभी गलत काम भी होता है, लेकिन वो छोड़ दो, फिलहाल बाजू में रखते हैं, यहाँ पे सिर्फ लीगल पॉइंट ऑफ व्यू से हम जाते हैं। तो इनकम टैक्स में कैसा है कि अगर किसी ने टेम्पल स्टार्ट किया, कोई ट्रस्ट स्टार्ट की किसी रिलीजन की, किसी धर्म की, किसी एजुकेशन के लिए, किसी भगवान का या फिर देवी का मंदिर वगैरह स्टार्ट कर दिया, तो ऐसा अगर कुछ किया तो डेफिनेटली उनको भी इनकम होता है। पर उनको कैसे इनकम, लोग डोनेशन नहीं देते? अरे डोनेशन भर भर के डोनेशन देते भाई, बालाजी की अगर बात करें, बालाजी को गए तो लोग ऐसे 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 डोनेशन देते भाई, सब कुछ जो भी है डायरेक्ट निकालो डालो, निकालो डालो, दैट्स इट। ओके, इवन साई बाबा शिरडी, साई बाबा मंदिर महाराष्ट्र में जो है, दिस इज द सेकेंड रिचेस्ट गॉड। अरे भाई भगवान की भी रिचेस्ट की कैटेगरी होती है, बालाजी टेम्पल इज द फर्स्ट रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, शिरडी का मंदिर जो है सेकेंड रिचेस्ट इन द इंडिया, सॉरी
तो अगर इनका रैंकिंग है, जैसे इंडिविजुअल के रैंकिंग होते हैं, भगवान की भी रैंकिंग है, कौन से भगवान कितने पैसे वाले हैं, तो उनको टैक्स क्यों ना लगाए, उनको भी टैक्स लगता है बच्चों, कि जो ट्रस्ट होती है उन्हें भी टैक्स पे करना पड़ता है, ठीक है। तो इसलिए आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन मतलब ये एजेपी होता है, ट्रस्ट वगैरह अगर किसी ने बनाई, देखो किसी भगवान के नाम पे, किसी देवी के नाम पे, तो ऑफकोर्स भगवान तो है नहीं, मतलब कन कन में भगवान समाए वो ठीक है बाजू में रखो, लेकिन भगवान को नोटिस किधर, कन कन में नहीं भेज सकते ना, तो नोटिस किसको भेजेंगे, ऑब्वियसली वो ट्रस्ट पे जो कमिटी है, ट्रस्ट के जो चेयरमैन है, जो संभाल रहे हैं, उनको नोटिस भेजेंगे और वही टैक्स वगैरह पे करेंगे, वही सब कुछ देखेंगे। लेकिन भगवान को भी नहीं छोड़ती है गवर्नमेंट, तो आपको कैसे छोड़ेगी, चुन चुन के टैक्स वसूल करेंगे। फ्रेंड्स आई एम जस्ट गिविंग यू अ रिमाइंडर अगेन, पर्सन के डेफिनेशन में क्या क्या आता है, इंडिविजुअल मतलब नेचुरल पर्सन, पार्टनरशिप फर्म मतलब जब मल्टीपल पर्सन कम टुगेदर एंड स्टार्ट अ पार्टनरशिप फर्म, ठीक है, टू शेयर द प्रॉफिट। नेक्स्ट अगर बॉडी ऑफ इंडिविजुअल है, BOI जिसको बोलते हैं, मतलब मल्टीपल पर्सन साथ में आ गए लेकिन उन्होंने पार्टनरशिप फर्म नहीं बनाई, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल। नेक्स्ट एसोसिएशन ऑफ पर्सन मतलब मल्टीपल पर्सन्स, पर्सन मतलब क्या है ये तो समझ गए ना आप, इतनी बड़ी डेफिनेशन के देखे, तो ये कोई भी इसमें से मल्टीपल पर्सन जो साथ में आए, एक पार्टनरशिप फर्म है, एक लोकल अथॉरिटी, एक कंपनी, कोई भी हो सकता है, ठीक है। जब मल्टीपल पर्सन साथ में आ गए तो बन गया, क्या बन गया, ये बॉडी ऑफ नहीं एसोसिएशन ऑफ पर्सन बन गया, ठीक है। नेक्स्ट जॉइंट स्टॉक कंपनी, प्राइवेट लिमिटेड हो, पब्लिक लिमिटेड हो, इंडियन कंपनी हो, फॉरेन कंपनी हो, वन पर्सन कंपनी हो, कोई भी कंपनी हो, टैक्स तो वसूलेंगे, ओके, पर्सन में आता है। नेक्स्ट हिंदू एंडिवाइडेड फैमिली, वेन अ जॉइंट फैमिली ऑफ हिंदू डूइंग बिजनेस फ्रॉम द कॉमन एंसेस्टर, कॉमन एंसेस्टर से जो बिजनेस चलते आया है, अगर वो बिजनेस कंटिन्यू कर रहे हैं, ओके, लीनियरली डिसेंडेंट मतलब जो पीढ़ियों से चलते आ रहा है वो बिजनेस अगर कंटिन्यू कर रहे हो, तो ये होता है हिंदू एंडिवाइडेड फैमिली, वो भी पर्सन के डेफिनेशन में। नेक्स्ट इज लोकल अथॉरिटी, म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन, इवन कैंटोनमेंट जोन, जैसे देवळाली कैंप है, कैंटोनमेंट जोन है, वो भी पर्सन के डेफिनेशन में आता है। लास्ट इज AJP, आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, भगवान को, गॉड गॉडेस, उसकी ट्रस्ट, उनको भी नहीं छोड़ते, उनको भी टैक्स वसूल किया जाता है, वो भी पर्सन के डेफिनेशन में, ठीक है। नेक्स्ट ये थी फर्स्ट वाले कंसेप्ट पर्सन, अब देखो आगे क्या है। SSE, ASSE, EEE बच्चों ये स्पेलिंग भी याद रखना और वर्ड भी, क्योंकि SSE मतलब ऐसा समझो पूरे टेक्स्ट में हजार बार हमें SSE वर्ड सुनने को मिलेगा, अरे बाप रे इतना रिपीटेटिव है सर ये, ओके। सो SSE मतलब क्या, SSE मीन्स पर्सन ऑन हुम, पर्सन बाय हुम, सॉरी पर्सन बाय होम टैक्स इज पेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट, टैक्स इज पेबल अंडर इनकम टैक्स एक्ट। तो इनकम टैक्स एक्ट के अंडर जो पर्सन है उसको टैक्स अगर पेबल है तो उसे बोलते हैं SSE। मतलब देखो अब मैं इनकम कमा रहा हूं तो डेफिनेटली मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं गवर्नमेंट को टैक्स पे करूं, तो मैं बन गया SSE, समझ रहे हो, जिसको टैक्स पेबल है, जिसको टैक्स पे करना पड़ेगा, ये हो गया SSE, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट इज असेसमेंट, एक मिनट थर्ड वाला, अरे कलर क्यों नहीं चेंज हुआ, अरे अरे बताते मैं स्पेलिंग गलत कर गया, ASSEMENT असेसमेंट ईयर, और जिसे बोला जाता है AY। बच्चों ये बहुत काम में आने वाली चीज है, असेसमेंट ईयर आपको बहुत बार आएगा पूरे सिलेबस में, आई एम रिपीटिंग अगेन, मतलब जब तक टैक्स खत्म नहीं होता ना हर जगह पे AY आपको नाम दिखेगा। अभी असेसमेंट ईयर मतलब क्या, या फिर पहले असेस वर्ड का मीनिंग समझते हैं, असेस मतलब क्या, असेस करना मतलब कैलकुलेट करना या इवेल्यूएट करना, ठीक है। अब देखो बच्चों मैं बहुत इनकम कमा रहा हूँ आपको मैंने कल ही बताया ना, बहुत पैसे कमा रहा हूँ, बहुत पैसे एकदम भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, एकदम मजे से कर रहा हूँ। तो देखो कितने पैसे कमा रहा हूँ, हाँ कल के हिसाब से मैंने 10 लाख रुपए कमाए, ठीक है, इतने ज्यादा नहीं है दौलत शोहरत बोलने जैसा, लेकिन ठीक है 10 लाख रुपए मैंने कमाए। ये कब की बात है, अरे सर साल भर की बात है, अरे कौन सा साल,
जनवरी टू दिसंबर, नहीं 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 नहीं, इंडिया में फाइनेंशियल ईयर फॉलो होता है कौन सा, फर्स्ट अप्रैल से लेकर 31 मार्च। ठीक है, देखो बच्चों इनकम 31 मार्च तक चलता रहेगा। 31 मार्च को अगर किसी का मुझे रात को 10 बजे फोन आता है, सर मैं फीस देने आ रहा हूं, अरे नहीं नहीं मत आ भाई, अभी मार्च एंडिंग है, अभी मत आ, बाद में फीस देना, बोलूंगा मैं ऐसा? अरे डेफिनेटली नहीं, लक्ष्मी आ रही है अगर टीका करने तो मुंह धोने थोड़ी जाऊंगा मैं, अरे डेफिनेटली पैसे तो ले लूंगा। तो पैसे आ रहे, इनकम तो हो सकती है कभी भी। जैसे आप जानते हो बच्चों, ये लेक्चर आपको KKCA के एप्लीकेशन में स्टोर्स में अवेलेबल है। आप अगर स्टोर्स में बाय करते हो तो ऑनलाइन बाइंग तो एनी टाइम हो सकती है। तो रात को 11:59 भी आप कोर्स बाय कर सकते हो, मतलब वो भी मेरा 31 मार्च का ही इनकम हुआ। तो आप कहना क्या चाहते हो सर? मैं कहना ऐसे चाहता हूँ बच्चों कि बिजनेस ये 24 घंटे चलने वाली चीज है। ठीक है, मतलब नो डाउट कुछ बिजनेस बंद हो जाते हैं 8-10 बजे, लेकिन डिपेंड्स। ओवरऑल अगर 24/7 मेडिकल की बात करें तो रात भर चल रहा है। तो 1 अप्रैल को ईयर स्टार्ट हुआ, तब से लेकर 31 मार्च तक ऑब्वियसली साल भर एक्सपेंस भी चल रहा है और इनकम भी चल रहा है, सब कुछ चलता है हर बिजनेस का। ठीक है, नाउ अब अगर 31 मार्च को ईयर एंड हो रहा है तो क्या मैं 31 मार्च को तुरंत उसी दिन इनकम कैलकुलेट कर लूं और टैक्स पे कर दूं? ऐसा हो सकता है? मतलब अगर ऐसा होता तो क्या करना पड़ता, 31 मार्च को अगर 10 दिन बाकी है ना, 20 मार्च है फॉर एग्जांपल, 22 मार्च, तब से डायरेक्ट इंडिया में लॉकडाउन लगा देते, 22 मार्च से इंडिया लॉकडाउन, पूरा इंडिया बंद 8-10 दिन सबके लिए। किस लिए? इनकम कैलकुलेट करने के लिए, साल भर में कितना कमाया, फटाफट से टैक्स पे कर दो। अरे ऐसा नहीं होता, बिजनेस कभी बंद नहीं हो सकता, कभी नहीं। ठीक है, हाँ इस साल मतलब 22 मार्च पिछले साल हुआ था लॉक, सब कुछ बंद हुआ था, लेकिन बिजनेसेस बंद नहीं हो सकते बच्चों हर साल, वो भी क्यों, इनकम कैलकुलेट करने के लिए। हाउ इज इट पॉसिबल? तो बिजनेस चलता रहेगा, इनकम भी चलता रहेगा, तो कैलकुलेट कब करें? देखो बच्चों मैं एग्जांपल देता हूं मेरा लास्ट ईयर का। अब 1 अप्रैल 2018 का एग्जांपल लेते हैं, नहीं 19 का एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, 1 अप्रैल 2019 से लेकर 31 मार्च 2020, हाँ ये पीरियड, मतलब ये एक फाइनेंशियल ईयर हो गया, और इसी साल मैंने 10 लाख रुपए कमाए। ओके, और इस साल का 2021 तो चल रहा है, अब तक मार्च नहीं आया ना बच्चों, मार्च एंड नहीं हुआ, तो मैं नहीं बता सकता कि इस साल मैंने कितना कमाया। तो 10 लाख रुपए मेरी पूरे साल भर की इनकम हो गई, लेकिन ये मैंने कैलकुलेट कब किया? मेरा पूरा साल मार्च तक खत्म हो गया, फिर मैं अप्रैल में महीने में, अप्रैल में कुछ बैचेस थे मेरे, बैचेस वगैरह खत्म कर लिए, फिर मई महीने में छुट्टियां होती है, तो मई महीने में शांति से बैठा मैं, सब कुछ लेकर रिसीट बुक लेकर बैठा, स्टूडेंट का डेटा मैंने सब कुछ देखा, एप्लीकेशन पे कितने पैसे, ऑनलाइन कितने आए, कैश में कितने आए, सब कुछ हिसाब लगाया, तब पता चला कि फॉर एग्जांपल इस बार मैंने 15 लाख कमाए, 12 लाख 15 लाख जो भी है, लेकिन अभी के लिए ये 10 लाख पे कॉन्स्टेंट रहते हम, तो 31 मार्च तक मैंने 10 लाख रुपए कमाए। ओके, अब कमाए तो मैंने इस साल, लेकिन वो कैलकुलेट कब किए? फॉर एग्जांपल मई महीना हम कंसिडर करते हैं, मई मंथ में, मई 2020 में मैंने कैलकुलेशन किया, सब कुछ शांति से बैठ के पेन पेपर लेकर, कैलकुलेटर लेकर, कंप्यूटर लेकर, डेटा लेकर, सब कुछ लेकर मैंने मई 2020 में मैंने सब कुछ कैलकुलेट किया, यहां तक ठीक है। अब मैं इस पर टैक्स कब पे करूंगा? अरे ऑब्वियसली अगर कैलकुलेशन अभी किया है तो अभी इसके बाद ही टैक्स पे करूंगा ना, इसके पहले थोड़ी कर सकते हैं। तो सपोज मान लो मैंने मई मंथ में कैलकुलेशन किया, ठीक है, जून मंथ में मैं सीए के पास गया, मेरा चार्टर्ड अकाउंटेंट जो है, तो वैसे बोलने के लिए तो मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंट ही हूँ, बट आई एम टोटली फुल टाइम एंगेज्ड इन टीचिंग ओनली स्टूडेंट्स, तो मेरा खुद का इनकम टैक्स रिटर्न मैं नहीं भरता। ओके, हम ये काम नहीं करते, आई एम टोटली स्पेशलाइज इन वन फील्ड। मेरा मानना है कि लाइफ में आप भी जो करोगे उसमें स्पेशलाइज बनो। अरे मेरे पास डिग्री है तो क्या करूं, मैं इनकम टैक्स भी भर दूं, जीएसटी का भी देख लूं, क्लासेस भी देख लूं, बस पैसा आने दो। अरे जिएंगे कब, पैशन कब फॉलो करोगे? टीचिंग इज माई पैशन, आई एम फुल टाइम एंगेज इन माई पैशन, बाकी क्या तेल लेने, सीए के पास जाने का कितनी फीस है तेरी, 5000, ये ले 5000, किस्सा खत्म, मुझे उस प्रोफेशन में घुसना ही नहीं। अरे वो बात अलग है, ठप्पा लग गया मेरे आगे नाम सीए, लेकिन आई एम टोटली एंगेज्ड इन टीचिंग। सो मैं चाहता हूँ कि जैसे मैं सीए बनाऊँ, आपको भी सीए बनाऊँ, या आपको सीए लेवल का नॉलेज भी दूँ। ठीक है, नहीं स्टूडेंट ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं बनाऊंगा आपके लिए, डोंट वरी।
नाउ द पॉइंट इज, सपोज हमारे एग्जांपल में मे मंथ में मैंने कैलकुलेशन किया इनकम का, ओके, और जून मंथ में, जून 2020 में मैं सीए के पास इनकम टैक्स रिटर्न फाइल वगैरह करने गया, ठीक है। तो सीए ने सब कुछ इनकम टैक्स चेक किया, डिटेल्स वगैरह चेक किए और वेरीफाई किया, कुछ क्वेश्चंस पूछे मैंने, उनको आंसर दिए। उन्होंने पूछा आपने इन्वेस्टमेंट किया हुआ है क्या, आपका कुछ LIC का है क्या, बैंक में से कितना इंटरेस्ट मिला है, सब 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 कुछ डिटेल पूछे उन्होंने, और मैंने उनको अकॉर्डिंगली आंसर दिए, रिपोर्टिंग दिए, मतलब कुछ प्रूफ दिया। ऐसे ओरली थोड़ी चल भाई 15 लाख फीस है डाल दे, ऐसा नहीं, नहीं नहीं, डॉक्यूमेंट्री सब कुछ मैंने एविडेंस दिए और वो सीए ने इनकम टैक्स रिटर्न फाइल किया। अब इनकम टैक्स रिटर्न में सब डिटेल डाले। अब रिटर्न क्या होता है, RETURN, नॉर्मली रिटर्न का मतलब क्या होता है, वापस दे देना, राइट। लेकिन यहाँ पे इनकम टैक्स रिटर्न अलग होता है, ओके। मैं इनकम टैक्स रिटर्न पे आता हूँ कुछ देर में, पहले असेसमेंट ईयर का पॉइंट कंटिन्यू कर लेते हैं, ठीक है। अब जून 2020 में इनकम मैंने कैलकुलेट किया, और फॉर एग्जाम्पल ऐसा समझ लो उसी मंथ मैंने टैक्स भी पे कर दिया, ठीक है। कमाने वाला साल कौन सा था, 1920, इस साल कमाया ना मैंने 10 लाख, और कैलकुलेशन वाला साल कौन सा था, 2021, राइट ना। मई 20 आ गया, मतलब 1 अप्रैल 20 से 31 मार्च 21 तक 2021 होता है ना, तो हम 2021 में कैलकुलेशन कर रहे हैं, राइट। सो मैंने 1920 में अर्निंग किया, इस साल मैंने पैसे कमाए, और उसका कैलकुलेशन किया 2021 में, तो इनकम का कैलकुलेशन दैट इज असेसमेंट कब किया मैंने, नेक्स्ट ईयर में। तो जिस साल मैंने असेस किया इस साल को बोलते हैं असेसमेंट ईयर 2021, और जिस साल मैंने कमाया पैसा एक्चुअली इसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर 1920। नॉर्मली इंग्लिश में प्रीवियस का मीनिंग क्या होता है, पिछला। तो हम क्या समझते हैं प्रीवियस ईयर, मतलब सर पिछले साल की बात कर रहे हैं, अरे नहीं नहीं, जो साल फिलहाल चल रहा है अभी, फॉर एग्जाम्पल 20, अभी जनवरी 20 चल रहा है, 21 सॉरी, तो फिलहाल क्या चल रहा है, 1 अप्रैल 20 से लेकर 31 मार्च 20 तक, हम बीच में इसके, तो 2021 चल रहा है। तो ये 2021 कौन सा ईयर है, ये प्रीवियस ईयर है, जिस साल हम एक्चुअल में इनकम कमाते हैं, जो अर्निंग वाला ईयर है वो होता है प्रीवियस ईयर। और जिस साल अर्निंग किया हुआ असेस करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, तो जिस साल कैलकुलेट करते हैं ना, कैलकुलेशन वाला ईयर इज असेसमेंट ईयर, समझ रहे हो, और उसी साल हम टैक्स पे करते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखना, हमेशा क्वेश्चन में प्रीवियस ईयर दिया क्या, असेसमेंट ईयर दिया, अलर्ट रहो, ओके। अगर मैं आपको बोलूं नाउ मेरा इनकम लिख लो, प्रीवियस ईयर 16-17 का इनकम 100 है, तो कब कैलकुलेट किया होगा, प्रीवियस ईयर 15-16 का ही मतलब होता है असेसमेंट ईयर 16-17, ओके। तो फिलहाल जनवरी 21 चल रहा है, जनवरी 21 चल रहा है, मतलब ये ईयर स्टार्ट हुआ है अप्रैल 20 को, एंड हो जाएगा 31 मार्च 21 में, राइट। सो ये 2021 चल रहा है ना, ये हो गया इसका प्रीवियस ईयर, और इसका ही असेसमेंट ईयर रहेगा 21-22, ठीक है। जैसे आप एग्जाम देने जाओगे बच्चों, एग्जाम में बैठोगे और वहां पे क्वेश्चन में दिया रहेगा असेसमेंट ईयर 21-22, अल्लाह सर ये तो फ्यूचर टेंस का क्वेश्चन पूछा है इन्होंने, इतने आगे तो हम आज तक गए भी नहीं, सर नेक्स्ट ईयर की क्वेश्चन पेपर अभी डाल दी उन्होंने, नहीं नहीं, असेसमेंट ईयर 21-22 ही चल रहा है। स्टूडेंट आई रिकमेंड यू, आप जो भी टेक्स्ट बुक बाय करने वाले हो, जो भी पब्लिकेशन का बाय करने वाले हो, जस्ट मेक श्योर कि आप असेसमेंट ईयर 21-22 का ही बाय करो, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद असेसमेंट ईयर के साथ साथ और एक कंसेप्ट हो गया हमारी, कौन सी, प्रीवियस ईयर। प्रीवियस ईयर, ठीक है, दो कंसेप्ट एट ए टाइम हो गए, PY एंड नेक्स्ट ईयर, जिस साल इनकम कैलकुलेट करते हैं वो होता है असेसमेंट ईयर AY, ठीक है। नेक्स्ट, अब एक बहुत बड़ी कंसेप्ट है जिसका नाम है एग्रीकल्चरल इनकम। अब ये एग्रीकल्चरल इनकम क्या है एग्जैक्टली, बच्चों नाम से तो आप समझ ही गए, फार्मर जो भी कमाते हैं ना सर, वो एग्रीकल्चरल इनकम होता है, ओके। सो टेक्निकली बहुत बड़ा है, मैं इसके लिए एक स्पेशल टाइम भी स्पेंड करूंगा और आपको नोट्स भी प्रोवाइड करूंगा इससे रिलेटेड। बस आपको एक ट्रेलर बता दूं एग्जैक्टली ये कंसेप्ट क्या है। एग्रीकल्चर इनकम मतलब
फार्म नहीं, वो जो लैंड है, लैंड से इनकम मिला, एग्रीकल्चर लैंड से इनकम मिला, लेकिन वो एग्रीकल्चर पर्पस के वजह से ही मिला तो उसे एग्रीकल्चर इनकम बोलते हैं। ऑब्वियस है ना सर, अगर एग्रीकल्चर लैंड है उधर क्रिकेट थोड़ी खेलेंगे, दूसरा क्या करेंगे, खेती करेंगे ना सर, तो उसका इनकम तो ऑब्वियसली एग्रीकल्चर इनकम है। ऐसा नहीं होता बच्चों हर बार। फॉर एग्जाम्पल जस्ट इमेजिन मेरे एक एग्रीकल्चर लैंड है, ठीक है, 10 एकड़ की खेती हमारी, बहुत, अरे मैंने बोला था बहुत पैसे वाले यार, हम रईस खानदान से बिलोंग करते, ठीक है, सो इतने पैसे वाले लैंड वगैरह लेके रखी है, भगवान का दिया हुआ सब कुछ है, किधर किधर क्या क्या ले, पैसे किधर डाले, ऐसा हो जाता है। तो मैंने बहुत सारी लैंड लेके रखी है, ठीक है। हुआ ऐसा कि मराठी एक मूवी है सैराट, उसका पार्ट टू निकलने वाला है, सैराट टू, ठीक है। तो उन्होंने प्लेस ढूंढ रहे थे शूटिंग के लिए, वो गाँव में आए और उन्होंने मेरी लैंड देखी, उनको लगा यार ये लैंड बहुत परफेक्ट रहेगी, वहाँ पे ग्रीनरी अच्छी है, समुंदर किनारा है, तो ओवरऑल वो प्लेस उनको बहुत सेटेबल लगा कि यही से हमें ये दिस इज द बेस्ट प्लेस, यहाँ हमें फिल्म शूट करना है सैराट टू। हाई सेड ओके भाई, उन्होंने अप्रोच किया नागराज मंजुले डायरेक्टर थे, उन्होंने बोला कि सर जी क्या हमें लैंड मिलेगा रेंट पे? मैं बोला रेंट पे नहीं, मैं बोला नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा, भाव खाने का ना स्टार्टिंग में कैसे बोलेगा, हाँ ले लो ले लो, नहीं थोड़ा भाव खाया मैंने। फिर वो बोलने लगे सर ऐसा मूवी आने वाला है सर, आप भी फेमस हो जाओगे सर, आपके लैंड पे जब आर्ची आएगी यहाँ पे एक्टिंग करेगी तो आप भी फेमस हो जाओगे सर, आपकी खेती और भी चलेगी, मतलब बाकी बोली बच्चन मत दे, भाड़ा 2 लाख रुपए लगेगा, 5 लाख रुपए लगेगा, फॉर एग्जाम्पल 10 लाख रुपए लगेगा, जो भी है 10 एकड़ है, 10 लाख रुपए रेंट लगेगा, क्योंकि मेरा यहाँ पे इनकम बहुत आता है भाई, मैं इतना क्रॉप्स अगर निकालता था तो कितना पैसा मिलता था। तो ही सेड चलो ठीक है 10 लाख रुपए एक्सेप्टेड, क्योंकि उसको पता है वो 10 करोड़ कमाने वाला है उसमें, तो 10 लाख देने को प्रॉब्लम क्या है। तो हो गई डील डन। अब बात मेरी, क्या मैं फार्मर हूँ? आंसर इज यस। क्या मेरा एग्रीकल्चर लैंड है? आंसर इज यस। क्या मेरा इनकम हुआ? आंसर इज यस। क्या है एग्रीकल्चर इनकम है? आंसर इज नो। अरे कैसे है आएगा ये एग्रीकल्चर नहीं ना, यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड है लेकिन आपने जो पर्पस के लिए यूज किया, फिल्म शूटिंग के लिए या स्पोर्ट्स के लिए, एंजॉय के लिए, जो भी पर्पस है, वो फार्मिंग नहीं है, आपकी खेती से रिलेटेड एक्टिविटी नहीं है, तो ये एग्रीकल्चर इनकम नहीं है। ओके, एग्रीकल्चर से रिलेटेड एक्टिविटी, इवन एग्रीकल्चर में भी बहुत सारे प्रोसेस होते हैं बच्चों। सपोज एग्रीकल्चर से आपने कोई क्रॉप निकाला, ठीक है, वो क्रॉप को क्लीन करना है, पॉलिश करना है, वो फिनिश गुड्स बनाना है, क्लीन करके बैग में भरना है, तो ये जो एक्टिविटी है ना, इसे भी हम एग्रीकल्चर इनकम बोल सकते हैं, क्योंकि वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। लेकिन फिल्म की शूटिंग की बात अगर है तो इट इज टोटली अनरिलेटेड, इसका और आपके फार्मिंग का कोई संबंध नहीं दूर दूर तक, ठीक है, इसलिए दिस इज नॉट एग्रीकल्चर इनकम। ओके, नेक्स्ट एक कंसेप्ट है, बड़ी वाली कंसेप्ट जो है रेसिडेंशियल स्टेटस। रेसिडेंशियल स्टेटस, ओके, अब ये रेसिडेंशियल स्टेटस कंसेप्ट क्या है और क्यों है? देखो बच्चों, सवाल ये है, विराट कोहली अवर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन, ही वेंट टू इंग्लैंड फॉर मैचेस। फिलहाल तो इंग्लैंड वाले इंडिया में आने वाले, वो बात अलग है। सो इंडिया में सॉरी इंग्लैंड में मैच खेलने गए और वहां पे विराट कोहली परफॉर्म वेरी वेल, यानी ही वोन मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड, एंड इन द मैन ऑफ द सीरीज अवार्ड ही गेट 10 लाख रुपीज, ठीक है। अब सवाल यह है कि इस पे टैक्स कौन लगाएगा, इंग्लैंड वाली गवर्नमेंट और इंडिया वाली गवर्नमेंट? इंडिया वाली बोल रही है अरे डेफिनेटली हम लगाएंगे भाई, विराट कोहली हमारा प्लेयर है इंडिया का, ऐसा क्या करते हो, हम उस पर टैक्स लगाएंगे। इंग्लैंड वाले बोल रहे वो तो ठीक है लेकिन उसने कमाया कहां पे, इंग्लैंड में, तो हम ही टैक्स लगाएंगे, आप कैसे लगाओगे? अला हो गया ना भाई डिबेट। तो ये प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या निकाले, ये प्रॉब्लम चल ही रहा था, डाउट सॉल्व नहीं हुआ, पेंडिंग था, लेकिन उसमें सेकंड सीरीज स्टार्ट हो गई इंडिया में, ठीक है। इंडिया में हुआ ऐसा, साउथ अफ्रीका की टीम आई जिसमें ए बी डी विलियर्स विच इज हु इज वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर इन क्रिकेट, तो ही प्ले वेरी वेल, और अगर उन्होंने मैन ऑफ द मैच जीता, मैन ऑफ द सीरीज नहीं, मैन ऑफ द मैच जीता, उसमें 5 लाख रुपीज गिफ्ट उनको मिला। ओके, गिफ्ट नहीं बोल सकते, प्राइज, बिकॉज ही डिड सच अ परफॉर्मेंस, तो उनको 5 लाख रुपीज मिले। अब एबीडी इंडिया में उसको प्राइस मिल रहा है 5 लाख, इस पर टैक्स कौन लगाएगा? इंडिया गवर्नमेंट बोल रही डेफिनेटली हम लगाएंगे ना यार, एबीडी कहीं का भी हो, कमा तो इंडिया में रहा है ना, हम ही टैक्स लगाएंगे आपको। अरे बाप रे, क्या पलटी मारी भाई, क्या पलटी मारी इंडिया गवर्नमेंट ने, और साउथ अफ्रीका वाले बोल रहे नहीं नहीं
वो कहीं पे भी जाए, है तो साउथ अफ्रीका का, उसका दिल साउथ अफ्रीका का है तो उसका टैक्स भी साउथ अफ्रीका में लगाएंगे। अरे बाप रे बाप, इतना है कंफ्यूजन, इसका कोई नहीं है सॉल्यूशन। सॉल्यूशन निकालने के लिए कंसेप्ट आ गई जिसका नाम है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब रेसिडेंशियल स्टेटस में बेसिकली दो कैटेगरी है, एक है रेसिडेंट और दूसरा है नॉन रेसिडेंट, ठीक है। अब सबसे पहले समझ लो रेसिडेंट मतलब क्या। देखो बच्चों, कोई भी पर्सन, एनी पर्सन हु लिव्स इन इंडिया ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर फॉर 182 डेज और मोर, अगर कोई भी पर्सन, आई एम सेइंग अगेन कोई भी, मतलब वो कहाँ का है, उसका बर्थ, उसका जन्म, उसका कंट्री सब भूल जाओ, अगर कोई पर्सन 182 डेज या उससे ज्यादा टाइम के लिए अगर वो इंडिया में रह रहा है लास्ट ईयर, मतलब प्रीवियस ईयर का ही हम सोचेंगे ना बच्चों, कैलकुलेट तो हम असेसमेंट ईयर में करते हैं लेकिन स्टेटस तो प्रीवियस ईयर का देखेंगे। तो प्रीवियस ईयर में अगर वो 182 डेज या उससे ज्यादा दिन इंडिया में है तो वो इंडिया का रेसिडेंट है। सपोज एबीडी विलियर्स घूमने फिरने आया, ओके, 6 महीने इंडिया में रह गया, 2 महीने मैचेस खेल गया, मतलब साल भर में 8 महीने यही पे था, 8 महीने मतलब 8 into 30 days, वेगली 30 days पकड़ रहा हूं मैं, 240 दिन हो गए, 182 के ऊपर हो गया। ए बी डी विलियर्स दो ही इज अ प्लेयर ऑफ साउथ अफ्रीका, ही बिकेम रेसिडेंट ऑफ इंडिया, इनकम टैक्स के हिसाब से वो इंडिया का रेसिडेंट बन जाएगा बिकॉज ही लिव्स इन इंडिया फॉर प्रीवियस ईयर फॉर मोर देन 182 डेज, ओके। शूटिंग चल रही थी, अमिताभ बच्चन जी शूटिंग के लिए फॉरेन में गए तो वो मूवी की शूटिंग नियर अबाउट 1 साल चली, तो पूरा साल बाहर ही थे, तो ही बिकेम नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। सर क्या बात कर रहे हो, अमिताभ बच्चन नॉन रेसिडेंट? यस स्टूडेंट्स, इनकम टैक्स के लिए नॉन रेसिडेंट, इनकम टैक्स को लेना देना नहीं, वो नाम कितना बड़ा है, वो काम क्या कर रहे हैं, सिंपल फंडा है, अगर वो 182 डेज से ज्यादा इंडिया में है तो रेसिडेंट है, अदरवाइज नहीं, ठीक है। नेक्स्ट, यस, नेक्स्ट ऐसा है, इसी में सेकंड कंडीशन ऐसा है, सपोज ऐसा हो जाए कि वो 182 डेज से कम इंडिया में है, ओके, तो क्या सर वो डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट है? नहीं, स्टूडेंट सुनो, सपोज वो 60 डेज और मोर इंडिया में है, ठीक है, 60 डेज थे मतलब 2 महीने मिनिमम, 60 डेज और मोर इंडिया में थे, एंड है उसके साथ दो कंडीशन है बच्चों, 60 डेज भी चाहिए और 365 days ड्यूरिंग लास्ट 4 years, मतलब अगर वो पर्सन इस साल मतलब प्रीवियस ईयर 60 डेज से ज्यादा इंडिया में है और प्रीवियस उसके पहले वाले 4 साल अगर मिला है तो उसकी टोटल 365 डेज से ज्यादा वो इंडिया में ही थे, देन ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। दोनों में से कोई भी कंडीशन फुलफिल हो जाए, ही इज रेसिडेंट ऑफ इंडिया। अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ओके, सिंपल फंडा है। नाउ ये जो सेकंड कंडीशन है 60 डेज और मोर वाली, मैंने बोला ना 60 डेज मतलब अगर 182 नहीं है तो सेकंड कंडीशन चेक करो, 60 दिन भी होना चाहिए और पिछले 4 साल में 365 डेज होना चाहिए, ओके। तो ऐसे सिचुएशन में जस्ट अ सेकंड फ्रेंड, एक्सक्यूज मी, हाँ तो हम देख रहे थे कि ये 60 डेज वाला कंडीशन किसी को एप्लीकेबल नहीं है, तो ध्यान रखो बच्चों ये कंडीशन 60 डेज वाली मतलब 60 डेज एंड 365 डेज, ये सेकंड कंडीशन, ये फर्स्ट है ना, ये तो सबके लिए 182 डेज क्रॉस कर दे तो इंडिया ने हो रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, लेकिन सेकंड कंडीशन क्या है, 60 डेज प्रीवियस ईयर में और उसके पहले 4 साल में 365 डेज अगर वो इंडिया में है तो इंडिया का रेसिडेंट है, लेकिन वो कंडीशन किस किस को एप्लीकेबल नहीं है, सेकंड वाली कंडीशन, उसमें फर्स्ट है इंडियन सिटीजन है, ओके, इंडियन सिटीजन और इंडियन ओरिजिन, अगर वो पर्सन इंडिया का सिटीजन है या फिर इंडिया का ओरिजिन है, ओके,
और उसने हु लिव्स इंडिया, उसने इंडिया छोड़ दिया है किस लिए, हु लिव्स इंडिया फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया, फॉर एम्प्लॉयमेंट आउटसाइड इंडिया। ओके, मतलब फॉर एग्जांपल मैं इंडिया का रेसिडेंट हूँ, ठीक है, मतलब हूँ ना ऑब्वियसली इंडिया का रेसिडेंट हूँ, ठीक है। और मुझे ऐसा हुआ कि जैसे टीचिंग वगैरह कर रहा था तो किसी ने यूट्यूब के या फिर ऑनलाइन इंटरनेट के जरिए मेरा टीचिंग देखा एंड ही अप्रोच में कि आप फॉरेन में आओगे क्या जॉब टीचिंग करने के लिए। आई सेड ओके, मैं फॉरेन में चला गया किस पर्पज से, एम्प्लॉयमेंट पर्पज से, ठीक है। मैं जिस दिन गया वो डेट थी फॉर एग्जाम्पल 1 जुलाई, ठीक है, तो मैं कितने दिन इंडिया में था, अप्रैल मई जून ना, 3 महीने, मतलब 90 डेज पकड़ लेते, ठीक है, 90-91 डेज। तो मेरे लिए ये सेकंड कंडीशन चेक करनी पड़ेगी ना, 60 डेज इंडिया में था और 365 डेज पिछले 4 साल, नहीं नहीं नहीं, ये कंडीशन मेरे लिए एप्लीकेबल नहीं है। मैं 182 डेज से कम था ना इंडिया में, तो मैं सिंपली डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया कहलाऊंगा, डायरेक्ट नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया फ्लैट। क्यों? क्योंकि मैं आउट ऑफ इंडिया जा रहा था एम्प्लॉयमेंट पर्पज के लिए, इसलिए सेकंड कंडीशन मुझे एप्लीकेबल नहीं है, ठीक है, और किसे एप्लीकेबल नहीं है सेकंड कंडीशन। पर्सन हु लिव्स, इंडियन सिटीजन, अगेन इंडियन सिटीजन हु लिव्स इंडिया, जिसने इंडिया छोड़ा किस लिए, एज अ क्रू मेंबर ऑन इंडियन शिप, एज अ क्रू मेंबर ऑफ इंडियन शिप। अगर आपने रुस्तम देखा होगा बच्चों, रुस्तम, रुस्तम बावरी, तो आप समझ जाओगे मूवी में क्या किस्सा था। नहीं नहीं, वो लव स्टोरी जाने दो रे, उसने क्या किया गद्दारी वो छोड़ दो। वो अक्षय कुमार कहाँ पे गए थे, इंडियन शिप पे एज अ क्रू मेंबर आउट ऑफ इंडिया गए थे फॉर 6 मंथ, राइट, ऐसा समझ लो 6 मंथ, 7 मंथ गए थे वो आउट ऑफ इंडिया, 7 मंथ गए मतलब 210 दिन बाहर ही थे, 365 में से 210 दिन गए, तो ऑफकोर्स टोटल 182 से कम आ रही है। तो रुस्तम इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया क्योंकि सेकंड कंडीशन उसको एप्लीकेबल नहीं है, 182 डेज से कम है, डायरेक्टली ही इज नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, ये है कंडीशंस चेक करने के लिए कि वो पर्सन रेसिडेंट ऑफ इंडिया है या नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ये है रेसिडेंशियल स्टेटस। अब इसमें रेसिडेंट में दो कैटेगरी है, रेसिडेंट में भी दो कैटेगरी है, एक है रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, दूसरा है रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट। अब ये क्या किस्सा है बच्चों समझ लो फटाफट से, 5 मिनट में खत्म हो जाएगा किस्सा। सपोज पर्सन रेसिडेंट है, मतलब कंडीशन 1 या 2 फुलफिल हो गया, तो आप यहां पे आओगे, रेसिडेंट रहा तो फिर सब कैटेगरी सोचेंगे ना ऑब्वियसली, तो रेसिडेंट है मतलब पहली कंडीशन तो फुलफिल हो गई। अब हम सेकंड उसके बाद कुछ कंडीशन चेक करेंगे, यस स्टूडेंट, सो आर ओ आर रेसिडेंट ऑफ इंडिया कब रहेगा। सपोज रेसिडेंट तो है और पिछले 7 सालों में, प्रीवियस 7 ईयर्स में पर्सन इंडिया में था फॉर 730 डेज, यस 730 डेज, प्रीवियस ईयर छोड़ दो, उसके पहले 7 सालों में अगर वो पर्सन 730 डेज इंडिया में ही था तो वो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट। ओके, एंड दूसरा कंडीशन है, पिछले 10 साल में, प्रीवियस 10 ईयर्स में एटलीस्ट 2 ईयर्स में वो इंडिया का रेसिडेंट होना चाहिए। क्या बोला उन्होंने, पर्सन रेसिडेंट है, ठीक है। अब चेक करते हैं ऑर्डिनरी है क्या नॉन ऑर्डिनरी। तो ऑर्डिनरी के लिए 2 कंडीशन है, अगर वो पर्सन पिछले 7 ईयर्स में, 7 साल मिला के टोटल 730 डेज एटलीस्ट इंडिया में अगर है, एंड अगर पिछले 10 सालों की बात करें, प्रीवियस 10 ईयर्स में एटलीस्ट वो 2 साल इंडिया का रेसिडेंट है। सर कैसे समझेगा रेसिडेंट है, अरे यही तो कंडीशन है ना, ऊपर देखे ना हमने कंडीशन, ये वाली कंडीशन रेसिडेंट वाली, राइट, ये कंडीशन अगर पिछले 10 में से एटलीस्ट 2 साल अगर फुलफिल हो रही है तो इंडिया का रेसिडेंट है, ठीक है। और अगर ये दोनों कंडीशन फुलफिल हो गई तो रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है। और अगर कंडीशन फुलफिल नहीं हुई तो डेफिनेटली वो बन जाएगा RNOR, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आज के बेसिक कॉन्सेप्ट्स में इतना ही, आज हमने क्या क्या देखा बच्चों, लेट्स गो थ्रू दिस। देखो हमने देखा
पर्सन की डेफिनेशन, उसके बाद असेसी, असेसी मतलब क्या, देन असेसमेंट ईयर और प्रीवियस ईयर, साथ में हमने देखा एग्रीकल्चर इनकम, और फिर है रेसिडेंशियल स्टेटस जिसमें दो है, रेसिडेंट और नॉन रेसिडेंट, और रेसिडेंट के भी दो सब टाइप थे, रेसिडेंट एंड ऑर्डिनरी रेसिडेंट, रेसिडेंट बट नॉट ऑर्डिनरी रेसिडेंट, ये सब कुछ हमने देख लिया। चलो बाकी नॉलेज के लिए, बाकी थ्योरी के लिए या प्रैक्टिकल के लिए जो भी है, हम मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। स्टूडेंट बिफोर कंक्लूडिंग दिस सेशन, आपका जो एक डाउट था, एक स्टूडेंट ने पूछा हुआ कि सर सीएम या पीएम जिनको सैलरी वगैरह मिलती है तो उनको भी टैक्स लगता है? ऑफकोर्स सीएम और पीएम दोनों इंडिविजुअली है, इंडिविजुअल को टैक्स लगता है, उनको भी टैक्स चार्ज किया जाएगा, कोई भी पर्सन होने दो टैक्स चार्ज किया जाएगा, ठीक है। चलो बच्चों यही पे हम खत्म करते हैं आज का एपिसोड, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस, सी यू इन द नेक्स्ट डे, बाय बाय बच्चों।